क्लास टैली ईआरपी 9 में हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा हुआ था वो है गोडाउंस। मैंने आपको बताया हुआ था गोडाउंस, ये सारी एंट्री मैं आपको लिखता चल रहा हूँ। जो जो मैंने आपको पढ़ाया एंट्री जो आपको करवाई वो एक एक करके स्टेप बाई स्टेप मैं इसमें नोट करता जा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। हमने इसके पहले देखिए पढ़ा था परचेज फिक्स एसेट्स कंप्यूटर ऑफिस चेयर लैपटॉप। मैंने इसकी तीनों एंट्रियाँ बताई आपको, जर्नल वाउचर पेमेंट वाउचर परचेज वाउचर। ओके, नेक्स्ट कल के वीडियो में हमने मेंटेन गोडाउंस ऑफ विथ लोकेशंस, गोडाउंस या लोकेशंस कह सकते हैं उसको, मेंटेन करना सीखा, गोडाउंस को बनाया, गोडाउंस में सेलिंग किया परचेज किया ये भी साथ में हमने सीखा। मतलब गोडाउंस के अंदर हमने परचेज करना भी सीखा, कमा सेल्स भी सीखा, ये सारी एक्टिविटीज हमने गोडाउंस के माध्यम से परफॉर्म किया। आज जो हम सीखने अब जा रहे हैं तो दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। आज जो हम मैं अगला स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको, ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमने कल गोडाउन बनाए थे उनमें कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, अब हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करना चाहते हैं कैसे करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्टेप हम इसको ये तो हमने कल सीख लिया था, इसको मैं आपको हटा देता हूँ। ओके, आज हम सीख रहे हैं फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप फिर देखते हैं यदि वीडियो में टाइम रहेगा तो परचेस और सेल्स ऑर्डर भी मैं आज आपको बताऊँ। ओके, तो आइए सबसे पहले इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं टैली आरपी 9 ओपन कर रहा हूँ। टैली आरपी 9 पहले स्टॉक को चेक कर लेते हैं कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है, इसके बाद ट्रांसफर करते हैं। कल की हमारी एंट्री इसमें है, स्टॉक भी कल का पड़ा होगा, उस स्टॉक को चेक कर लेते हैं। मैं सीधे स्टॉक आपको चेक करा देता हूँ, कमेंडा इन्वेंट्री और गोडाउन, सीधा गोडाउन पे गया। कामतन में चेक कर लेते हैं, 30 बैग हमारे कामतन में है और मेन लोकेशन में 10 बैग हमारे इंडिया गेट के हैं और 5 बैग हमारे कोहनूर के हैं, ठीक है, और सीतापुर में 10 बैग हैं हमारे पास, ठीक है। तो 30 कामतन में सबसे ज़्यादा है, देख लेते हैं कामतन में किसके बैग हैं, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ 25 किलो के 10 बैग हैं, 50 किलो के 20 बैग हैं। तो अब 50 किलो के जो ये 20 बैग हैं कामतन में, इसके 10 बैग मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ सीतापुर में। सीतापुर की क्वांटिटी दिखा देता हूँ आपको, सीतापुर में इस समय सिर्फ 10 बैग हैं 25 किलो के, 50 किलो का यहाँ पे कोई बैग नहीं है। हम 50 किलो का बैग किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सीतापुर में। ओके, आइए कॉपी पेन ट्रांसफ़र करने क्वेश्चन समझ में आ गया। कामतन गोडाउन से सीतापुर गोडाउन में 50 बैग ट्रांसफर होके आ गए, यानी कि हमने मंगा लिया कामतन से सीतापुर वाले गोडाउन में, हमने 10 बैग 50 केजी वाले मंगा लिए। ओके, इसकी एंट्री करने के लिए आप सीधा जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। अब आपको यूज करना है इन्वेंट्री वाउचर। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंटिंग वाउचर में मोस्टली सारे वाउचर्स मैंने यूज किया, कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसीप्ट हो गया, जर्नल की एंट्री भी सीखी आपने, सेल्स की भी सीखा, डेबिट नोट सीखा है, क्रेडिट भी बता दूंगा मैं, परचेज भी हो गया, कुछ रिवर्सिंग और मेमोरेंडम वाउचर्स बचे हैं वो आगे बताऊंगा। अब मैं इस समय स्टार्ट कर दिया इन्वेंट्री वाउचर। इस एंट्री को
क्योंकि स्टॉक हमारा ट्रांसफर हो रहा है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो हम किसी को ना तो बेच रहे हैं ना तो परचेज कर रहे हैं, सिर्फ अपने इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। इसलिए इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर पे। तो इन्वेंट्री वाउचर में सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पे आप डेट जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चलो मई में कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे स्टॉक जनरल वाउचर ऑलरेडी ओपन है हमारा, स्टॉक जनरल वाउचर में ही इसकी एंट्री करना है। स्टॉक जनरल वाउचर ये सारे अभी डिसेबल हैं, मैं इनको इनेबल करना सिखाऊंगा आपको। स्टॉक जनरल वाउचर आपका ओपन है, यहाँ पे आपको दिया है देखिए सोर्स कंजप्शन और यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सोर्स हमको जहाँ से ले जाना है, कहाँ से ले जाना है, कितना ले जाना है, कौन सा ले जाना है, ये आप ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान के चलिए 50 ये 30 केजी वाला हमको ले जाना है, क्वांटिटी कितनी ले जाना है ये आप बताएंगे ट्रांसफर मटेरियल में। ट्रांसफर मटेरियल जो होगा आपका वो क्वांटिटी कितनी आपको ले जाना है, मेन लोकेशन कहाँ ले जाना है वो आप यहाँ देंगे। तो मैं आपको जैसा कि बताया था कि मुझे कामतन से सीतापुर ले जाना है, 20 बैग रखा है 50 किलो का, उसको 10 बैग सीतापुर ले जाना है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी 10, रेट वही रखना है, अमाउंट वही रखना है। मैंने देखिए यहाँ बताया राइस 50 केजी बैग कामतन में, 10 बैग उसी रेट पे उसी अमाउंट पे हमको ट्रांसफर करना है। कहाँ करना है, 50 बैग है हमारा वही आएगा, 30 बैग लेवल है, कहाँ पे सीतापुर में, कितना 10 बैग, ओके। डेस्टिनेशन नरेशन आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ओके। अब मैं इसका चेक कराता हूँ आपको, डिस्प्ले पे गया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउंस कामतन, कामतन में अब 20 पीस बचा है, पहले 30 पीस था, 20 पीस क्या बचा है, 10 पीस बचा, 25 किलो का बैग बचा और 50 किलो वाला भी 10, जबकि यहाँ पहले कितना था 20 था, ओके। और सीतापुर में चेक कर लीजिए बढ़ गया होगा, देखिए यहाँ 10 था तो यहाँ 20 हो गया, पहले 50 किलो के यहाँ एक भी बैग नहीं थे और यहाँ आप कितने बन गए 10, समझ गए होंगे। नहीं समझे एक एग्जाम्पल फिर से मैं बता देता हूँ, आपको गड़बड़ ना हो कहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और मैं इसी का ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमारे पास 25 किलो बैग का जो राइस है 10 पीस है, मैं कहाँ किस गोडाउन में, कामतन में, मैं पूरा बैग सीधे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, यहाँ सिर्फ 50 पीस वाला बचेगा, 50 किलो का बैग बचेगा, 25 किलो वाला बैग नहीं रहेगा, पूरा मैं ट्रांसफर कर देता हूँ कहाँ, सीतापुर। आइए कैसे, फिर आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ दूसरी एंट्री, आप यहाँ पे गए मई में ही आपने, अब आपको 25 किलो का ट्रांसफर करना है, कहाँ से करना है, 10 पीस है हमारे पास कामतन में, पूरा 10 पीस में कामतन से सीतापुर ट्रांसफर कर दूँगा, 25 कहाँ देना, सीतापुर में 10 पहले से था और 10 ले आ गया, ओके। ये एंट्री मैंने पोस्ट कर दिया, ट्रांसफर मटेरियल यहाँ लिखा रहता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, ओके। अब मैं डिस्प्ले पे गया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउंस कामतन में गया, कामतन में चेक किया, अब ओनली यहाँ 10 पीस बचा, 10 पीस क्या बचा आप देख सकते हैं, 10 पीस सिर्फ मेरे पास जो समय है वो क्या है आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ 10 पीस 50 किलो वाला बैग है, 25 किलो वाला कोई भी बैग यहाँ पे नहीं बचा। तो देखिए इसकी पूरी डिटेल आप जाकर देख सकते हैं, अक्टूबर में आया था 30 पीस आया था, 10 पीस ये आपका और 10 पीस ये आया हुआ था, फिर धीरे धीरे कैसे आपका ट्रांसफर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, ये आप सारी डिटेल आप इसमें देखते हैं, ओके। सीतापुर में बढ़ गया होगा स्टॉक, 30 पीस बच चला गया, तो कैसे 30 पीस आप देख सकते हैं, 25 किलो के 20 हो गए, 10 था 20 बैग हो गया, और ये आपका कितना हो गया 50 किलो का जो बैग है वो 10 पीस ऑलरेडी पहले से। इस प्रकार से आप स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अब हमको मेन लोकेशन में लाना है,
मेन लोकेशन में कोई स्टॉक मंगाना है नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री वाउचर जाएंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे स्टॉक जनरल वाउचर और क्या ट्रांसफर करना है ये तो हमारा मेन लोकेशन में रखा ही है। 50 किलो वाले बैग कुछ मंगा लेते हैं, कहाँ कितने हैं, कामतन में है, सीतापुर में, 10 पीस मेन लोकेशन में। मैं सीतापुर से पूरा मंगा लेता हूँ, वहाँ पे मेन लोकेशन में 10 पीस पूरा मंगा लेता हूँ मेन लोकेशन में, 50 किलो वाले बैग मेन लोकेशन में, ओके। और ये मेरा ट्रांसफर हो गया, डिस्प्ले इन्वेंट्री को आप देखेंगे, गोडाउन कामतन, यहाँ पे 50 का 10 पीस है, ठीक है। मैंने सीतापुर से मंगाया था, सीतापुर पहले चेक करा देता हूँ, यहाँ 20 पीस बचा हुआ है, सिर्फ 25 किलो वाला बैग है, 50 किलो का कोई बैग नहीं है। मेन लोकेशन में आप देखेंगे ये 5 केजी तो मेरा कोहिनूर ब्रांड का 75 किलो वाला बैग है, और इंडिया में 50 किलो राइस 20 हो गया, पहले 10 था तो कितना हो गया 20। देखिए रेट अमाउंट इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिर्फ हम स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर, इसलिए हमारे बैलेंस शीट या कैश या क्रेडिट डेबिट इनमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, सिर्फ स्टॉक में डिफरेंस आएगा, इसलिए मैंने आपको स्टॉक चेक कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से गोडाउन भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहीं पे ऑप्शन क्या मिलते हैं, आइटम वाइज आप देख सकते हैं, कोई भी आइटम वाइज, ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं, मंथली रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सारे प्रॉफिट शो करा सकते हैं, किसमें कितना प्रॉफिट वैल्यू कितना कंजम्पशन हुआ, आप ये भी यहाँ चेक करा सकते हैं। 20 क्वांटिटी की बैग कोहिनूर ब्रांड का इंडिया गेट का, F1 प्रेस कर दीजिएगा, पूरी डिटेल आपको बता देते हैं, रेट कंजम्पशन कितना हुआ, परसेंटेज तक आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्वांटिटी कितनी है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, ओके। तो ये तो बात हो गई मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की, ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर, एक गोडाउन या एक लोकेशन से किसी स्टॉक को ट्रांसफर करना दूसरे में, ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद आज जो मैं दूसरा इस पे लेकर आया हूँ वो है परचेस ऑर्डर एंड सेल। इसका मतलब क्या है आप समझ लें, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कई बार, आज की डेट में मोस्टली यही होता है, हमको यदि कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है हम कानपुर लेने नहीं जाते या सपना लेने नहीं जाते, दिल्ली लेने नहीं जाते, हम सीधा ऑर्डर कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारे दुकान पे आ जाता है। मोस्टली आज की डेट में जितने भी छोटे मोटे दुकानदारों की बात हम नहीं कर रहे, मोस्टली जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यही करते हैं, ऑर्डर देते हैं और स्टॉक उनका आ जाता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ जाता है। तो ऑर्डर देना, ऐसे ही हमारे पास भी ऑर्डर आ सकता है जो हमसे लेते होंगे, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, तो हमारे पास यदि ऑर्डर आया हम उसको डिलीवर्ड कर देते हैं और वो हमको पैसा दे देता है। तो ये प्रोसेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा चलती है, टैली ERP9 ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कि हम परचेस ऑर्डर कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा, यदि परचेस ऑर्डर होगा जिस दिन हम डिलीवर्ड करेंगे उस दिन इसकी एंट्री मेन में जाएगी, परचेस ऑर्डर पहले कहीं पे बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं करेगा, जिस दिन हम उसको फाइनल एंट्री कर देंगे तब उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे आएगा, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो ऑर्डर होगा ऑटोमेटिक उसकी हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसका डेटा आ जाएगा। तो परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट एक टैली के अंतर्गत ये भी फीचर्स है, हम पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, आज की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं हम, देखिए इतना प्रॉफिट लॉस ये सब, इसकी मैं एंट्री सारी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ फिर से हम क्या बचाएंगे, कैपिटल पूंजी, बाकी ये सारे जो भी अभी हमने ट्रांसफर किया है इधर से उधर सारी एंट्री में डिलीट कर देता हूँ, एक पूरा ले लेता हूँ मैं APR अप्रैल से मई तक, ओके। ये देखिए जो भी हमने ट्रांसफर किया वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करिए, जितनी
दूसरी या तो दूसरा अकाउंट बना लिया करिए, दूसरी कंपनी बना लीजिए, प्रैक्टिस के लिए अलग बनाइए, एक कंपनी परमानेंट बनाइए। मैं आपको इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास विराज कैपिटल पूंजी है। अब हमको परचेस और सेल ऑर्डर की एंट्री करना है और परचेस और सेल को यूज करना है। तो सबसे पहले अभी आप देखेंगे परचेस सेल एंट्री वाउचर के अंतर्गत आते हैं। मैंने वाउचर समझाया था दो तरीके के होते हैं, कुछ अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, कुछ इन्वेंट्री। अब अकाउंटिंग के बाद हम इन्वेंट्री वाउचर यूज करने लगे। अब ये सारे वाउचर जो हैं ये डिसेबल हैं, इनेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमको इनको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में ही रहते हुए F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। इसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए कल हमने गोडाउन स्विच किया था, अभी कुछ और मुझे इसमें बताना है, आगे मैं बताऊँगा। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर एनेबल परचेस ऑर्डर एस, एनेबल सेल्स ऑर्डर एस, और ये अभी नहीं करना है। एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग आगे बताऊँगा मैं, ओके। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स एक दो इसमें भी कर लेते हैं। यूज ट्रैकिंग नंबर, एनेबल डिलीवरी रिसीप्ट नोट, यानी कि ट्रैकिंग नंबर, नंबर को ट्रैक करना, जब मटेरियल जाएगा, जब ऑर्डर होगा तो डिलीवर्ड करना पड़ेगा या हम देंगे तो रिसीप्ट करना पड़ेगा, तो ये नोट आपको एस करना जरूरी है, तो इसको भी आप कर लीजिए। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, ये मैं आगे बताऊंगा। यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, ये आगे बताएंगे। बस तीन ऑप्शन आपको एस करना है, एनेबल परचेस ऑर्डर, एनेबल सेल्स ऑर्डर और ट्रैकिंग, एनेबल डिलीवर डिलीवरी नोट एंड रिसीप्ट, ओके। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से सीधा जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पे। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे, एक वाउचर और हमको मिलने लगा, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर। यहाँ पे अलग से हमको ऑप्शन मिल गया ऑर्डर वाउचर। जब हमको ऑर्डर करना होगा इस वाउचर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, हम अपनी कंपनी से ऑर्डर कर रहे हैं, 10 पीस कंप्यूटर हमको मंगाना है, हमको आज ऑर्डर लगाना है 1 मई को, तो हम परचेस ऑर्डर करेंगे क्योंकि हमको परचेस करना है। परचेस ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या यूज करना है, Alt F4। परचेस ऑर्डर आपका आ जाएगा यहाँ, ओके। जैसे आप परचेस ऑर्डर करेंगे, आप यहाँ पे देंगे, आप क्रेडिटर यूज करेंगे, राम से हम खरीद रहे हैं। ये देखिए, अब आपको ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको भरना है। अभी तक तो मैं इंटर करा देता था, अब आपको भरना है सप्लायर की डिटेल, ठीक है। सप्लायर की डिटेल राम है, कहाँ का रहने वाला है आप यहाँ दे सकते हैं, हम कहाँ से खरीद रहे हैं, सतना से, ओके। एड्रेस उसका, पिन नंबर, मोबाइल यदि अवेलेबल है तो मोबाइल वगैरह आप दे सकते हैं। इस तरीके से पूरी डिटेल आपको फिलअप करना है। मध्य प्रदेश का है, उसका टैक्सेशन नंबर, सेल टैक्स नंबर, पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश है कि क्रेडिट में है, जो भी आप देना चाहें, या टर्म 3 डेज ऐसा, या 10 डेज कितने दिन में देना है उसको, मोड ऑफ टर्म दोनों हम दे सकते हैं इसमें, ठीक। अदर रेफरेंस और कुछ देना है, डिलीवरी टर्म्स यदि कुछ कंडीशंस देना है कि एट होम, एट ऑफिस, जो भी देना हो वो दे सकते हैं। रिसीव डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, जैसे आप जो मटेरियल भेजेंगे वो भेजेगा तो किसके थ्रू भेजेगा वो रिसीप्ट। ये आपका सप्लायर डिटेल हो गई, ये ऑर्डर डिटेल हो गई, और ये आपकी रिसीप्ट है, ठीक है। डिस्पैच किसके माध्यम से, तो मैं ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ, ओके। डेस्टिनेशन कहाँ आना है, चित्रकूट। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑर्डर में। इसको फिल करने के बाद ऑर्डर नंबर आप देंगे 111 ऑर्डर नंबर मैंने लगाया। परचेस, क्या परचेस करना है, अच्छा कंप्यूटर का हमारे पास आइटम नहीं है, चलो राइस खरीद लेते हैं, 75 किलो वाला राइस पैकेट खरीद लेते हैं। हाँ, अब देखिए 1 मई को कर रहे हैं D1, कब ड्यू होगा ये, 1 मई, यानी लोकेशन
एक ये नहीं देता है कहीं भी मैं रख सकता हूँ, कामतन है, सीतापुर है, कहाँ रखना है, तो हम इसको रख लेते हैं कामतन में। कितनी क्वांटिटी का परचेज, 50 पीस का है, रेट कितने का लगाना है, 500 का है और डिस्काउंट 5% है। और कुछ एनी ड्यू, अलग ड्यू भी मैं दे सकता हूँ, ड्यू डेट यदि जून दे दिया, ओके, किस लोकेशन पे, और कुछ मंगा लेते हैं, इसको कहाँ हमने रखा, कामतन में, सीतापुर में रख लेता हूँ, 75 पीस के 20 पैकेट में सीतापुर में मंगा लेता हूँ, ओके। ये मैंने ऑर्डर किया, टोटल ऑर्डर हमारा क्वांटिटी का 70 बैग का हुआ, अमाउंट जो लगेगा 33,250 रुपये लगेगा। इस ऑर्डर को मैंने पोस्ट किया, ऑर्डर हमारा पोस्ट हुआ। अब एक इसकी एंट्री करके बता देता हूँ, एंट्री करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ओके, परचेस F9 इनवाइस नंबर 5। चलिए मई में ही कर लेते हैं या फिर अलग कोई डेट आप देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए जून कर देता हूँ, 1 जून लेगा नहीं, जुलाई हो जाएगा, चलिए जून, और इधर भी जून, हम जून में खरीद लेते हैं, ठीक है। पार्टी का नेम, पार्टी नेम जो हमारा होगा, किससे खरीदना है हमको, राम से। ऑर्डर हमने किसको दिया था, राम को दिया था, तो मैंने राम से खरीदा। लेकिन अब रिसीव एंड न्यू नंबर देना है कि नॉट अप्लीकेबल एंड, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर जो हमने स्टार्ट किया था उसको आप ध्यान देंगे, न्यू नंबर इसका दे देते हैं, हमारा 111 वाउचर नंबर था और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 11, ओके। 1 जून डिस्पैच एंड ऑर्डर। अब जैसे ऑर्डर नंबर में आप आएंगे, जितने भी ऑर्डर हमारे पेंडिंग पड़े होंगे, हमने जो भी ऑर्डर किया होगा यहाँ पे उसकी लिस्ट मिलेगी। 111 नंबर का मेरा एक ही ऑर्डर है, चूँकि आज मैंने एक ही ऑर्डर लगाया है, 1 मई को लगाया था, आज 1 जून है, तो ये ऑर्डर मुझे या तो मैं उससे लेना चाहता हूँ या नया कुछ लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, या मेरा ऑर्डर पड़ा है तो मैं अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग मटेरियल खरीदूंगा। इस ऑर्डर को आपको सेलेक्ट कर देना है, एंड ऑटोमेटिक ले लेगा डेट, अदर कोई रिफरेंस है तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। परचेज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये क्वांटिटी हमको नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी यहाँ आ गई, डिस्काउंट आ गया, रेट आ गया, ये हमको कुछ भी इंटर करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरा ऑर्डर मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। ट्रैकिंग नंबर यदि है तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको नॉट अप्लीकेबल अभी कर देता हूँ। देखिए ये भी बताएगा कि ऑर्डर में कहाँ किसको रखना है। कामतन में मैंने बोला था कि जो मेरा ऑर्डर आएगा 50 बैग कामतन में जाएगा, चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, रेट में कोई चेंजेस हुआ है तो चेंजेस कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर फिर पूछेगा कि यदि कोई ट्रैकिंग नंबर है अप्लीकेबल तो आप दे सकते हैं, इसमें मैं दे देता हूँ, 51 नंबर है ट्रैकिंग नंबर मेरा, ठीक है। ये कामतन में जाएगा 20 पीस, और वो दोनों कामतन में जा रहे हैं। यदि मैं चेंज करना चाहूँ इसको, मुझे सीतापुर करना था एक्चुअल में, तो मैं यहाँ सीतापुर अभी कर सकता हूँ, ओके, एंड ऑफ लिस्ट। इस प्रकार से पूरे एंट्री को आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे और बैलेंस शीट स्टॉक आइटम अपना चेक करेंगे, देखिए जो हमने मटेरियल मंगाया था वो हमारा परचेस हो गया होगा। गोडाउन से मैं चेक करा देता हूँ, काम था, ये देखिए 50 बैग हमारा आ चुका, ये जून में आया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कब कितना आया, ये देखिए जून में हमने खरीदा ये, ओके। तो इसी प्रकार से सीतापुर में जो आया होगा, सीतापुर का कोई मटेरियल 1 अप्रैल से 1 जून कामतन में ही हम दे दिया है, लगता है सीतापुर का कोई मटेरियल नहीं है, तो आप परचेस ऑर्डर
और प्लस यहाँ से भी आप रिपोर्ट समरी स्टॉक रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। 75 KG है हमारा, ये देखिए परचेस बिल पेंडिंग है अभी जो हमने किया था 20 पीस का, इसका एक बिल पेंडिंग है और एक राम का ये बिल 70 पीस का हुआ। ये देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हमने ऑर्डर किया था, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। 20 पीस ट्रैकिंग नंबर हमने दिया था। तो इस तरीके से आप पूरी एंट्री ऑर्डर के साथ कर सकते हैं, ऐसे सेल्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और जो हमको सेल करेगा उसको हम डिलीवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको परचेस ऑर्डर बताया है, सेल ऑर्डर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज आप इतना चलाइएगा ट्रांसफ़र करना और परचेस ऑर्डर, कल एक बार मैं फिर से आपको परचेस ऑर्डर बताऊँगा और सेल ऑर्डर बताऊँगा, क्योंकि अभी ड्यू करके दिखाऊँगा, मुझे ये देखना है कितने ड्यू हैं। एक से अधिक परचेस ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर कैसे दिखाएगा, हमको चेक करना है कितने पेंडिंग हैं ऑर्डर हमारे, कितने सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, कितने डिलीवर्ड हो गया, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, एक एक करके मैं वीडियो में सिखाऊंगा। आज आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करना सीखना है और परचेस ऑर्डर करना सीखना है। परचेस ऑर्डर आप यहाँ से जो मैंने किया वो पेंडिंग नहीं होगा, वो पेंडिंग ऑर्डर नहीं बताएगा, तो आपको परचेस ऑर्डर करना है और प्लस खरीद भी लेना है। इसके बाद गोडाउन को मैंने आपको बता ही दिया, ओके। आज के वीडियो में यहीं पर लॉन्च कर रहा हूँ, ओके।